येस वी आर लाइफ नाउ हेलो फ्रेंड्स दिस इज मैं एंड वेलकम टू लेट्स लर्न डिस्कस करेंगे टीम टीचिंग जिसको हम टोली शिक्षण भी कह देते हैं को टीचिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है कई लोग पैरल टीचिंग भी कह देते हैं तो स्टार्ट करेंगे समझेंगे एक छोटा सा टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड या टीचिंग मेथडोलॉजी में आप इसको काउंट कर सकते हैं और एक से दो नंबर में एक नंबर मिनिमम मतलब ऑप्टिकल नंबर है अगर एक देखा जाए तो किसी भी एग्जाम के लिए चाहे वो केवीएस हो चाहे वो आपका कोई यूपी टेट हो या कोई भी टीचिंग एग्जाम हो तो टीम टीचिंग है क्या इसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे ये छोटे छोटे सेशंस होंगे जिनमें कुछ ऐसे टॉपिक्स क्योंकि हमें अब बी तो करना ही रहे हैं आप कि आपको चार पेज का आंसर लिखना हो जस्ट आपको चीजें पता होनी चाहिए ताकि अगर पेपर में आए एक नंबर में तो आप वहां पहचान पाए आंसर क्योंकि रिकोगनाइज ही करना है चार ऑप्शन में से एक सही पहचानना होगा ठीक है बात तो स्टार्ट करेंगे एक बार आप लोग Join कर लीजिए नेटवर्क इशू था तो ये सेशन को स्टार्ट करने में जो है समस्या रही है थोड़ी सी बहुत बढ़िया ग्रेट बहुत बढ़िया तो अगर हम बात करें टीम टीचिंग की तो इसका नाम हमें बता रहा है टोली शिक्षण कह लीजिए आप टीम टीचिंग कह लीजिए टीम मतलब टीम का सुनते ही वर्ड सबसे पहला जो दिमाग में आता है मेरे वो आता है कोऑपरेशन यानी कि सहयोग के साथ चीजें हो रही होंगी और एक से भले दो वाला जो टू वन टू और मोर हेड्स आर बेटर देन वन ये कह सकते हैं है ना तो टोली शिक्षण समूह शिक्षण भी कह सकते हैं इसको समूह शिक्षण भी कह सकते हैं है ना और वो जो कॉन्सेप्ट है अपना कि भैया एक से भले दो एक और एक ग्यारह तो टू और मोर हेड्स आर बेटर देन वन तो कह सकते हैं दो या दो से अधिक शिक्षकों का इस्तेमाल करके एक टीम बना करके टू और मोर का इस्तेमाल करके सेम क्लास में सेम टॉपिक पर सेम एज के जो बच्चे हैं उन पर एक डिस्कशन होगा उनके साथ कोलैबोरेटिवली सहयोग के साथ क्यों क्योंकि हो सकता है किसी टीचर की एक्सपर्टीज या कोई एक टीचर है जो इवेल्यूएशन बहुत बेहतर कर पाता है कोई एक टीचर है जो फॉलोअप वर्क बहुत अच्छा कर लेगा डाउट्स वगैरह ज्यादा अच्छे क्लियर कर लेगा इंक्वायरीज को उनकी जो है डाउट्स हैं उन सबको सॉल्व कर पाएगा कोई एक है जो सुपरविजन में बड़ा अच्छा है कोई है जो लेसन को प्रेजेंट करने में बड़ा अच्छा है लीड लेक्चर लेने में बहुत बेहतर है है ना तो इस तरीके से क्या किया जाता है दो या दो से अधिक शिक्षकों की एक टीम बना दी जाएगी ठीक किस किसी भी एक क्लास के लिए और उसके एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव सेट होंगे सबके अपने काम निर्धारित होंगे है ना इस तरीके से साथ में कोऑपरेट करके टीचर जो है इससे क्या होगा लोड कम हो जाएगा वो जो एक ही शिक्षक के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पढ़ाई भी मतलब प्रेजेंट भी करे लेक्चर को डाउट्स भी क्लियर करे एवेल्युएट भी करे और भी जितनी भी प्रोसेस हो तो वो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड हो जाती हैं और जिसकी जो एक्सपर्टीज है क्योंकि हर एक टीचर की पर्सनैलिटी अलग है एक्सपर्टीज का एरिया अलग है उस हिसाब से वो चीज़ इफेक्टिवली फिर आपकी टीचिंग जो है वो प्रेजेंट होकर के सामने आती है इसके डेवलपमेंट की अगर बात करें टीम टीचिंग की तो ये नाइनटीन फिफ्टी में हार्वर्ड में इसको डेवलप किया गया था बाद में जे फ्री मैन ने इस पर काम किया 60s में थोड़ा सा इसको और डेवलप किया वैसे तो इसके बारे में कोई एक नाम आपसे नहीं पूछा जाएगा बट फिर भी कुछ बुक्स में आपको हार्वे एंड मिशिगन का नाम मिल सकता है ठीक है बात वो एक बेसिक सी बात हुई और अगर मैं बात करूं तो इसके बारे में कुछ और चीजें हैं जिनको हम समझेंगे ठीक टीम टीचिंग मतलब दो या दो से अधिक शिक्षक मिल एक क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे हैं चीजें इंडिया में अगर हम बात करें तो उसको ट्रेनिंग फॉर्म्स में भी यूज किया गया कि जैसे आप टीचिंग ट्रेनिंग में भी जाते हैं हालांकि ये नॉर्मल क्लासरूम के लिए है लेकिन इसको फिर भी कोई भी एक मेथड आता है तो उसको अलग अलग तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है तो जो आपका मोर एक्सपीरियंस टीचर है पहले से वहां आप उसके साथ भी कई बार आपने देखा होगा उनके साथ आप मिलकर के पढ़ा रहे हैं वो आपके जो उनके एक्सपर्टीज हैं वो उसमें डील कर रहे हैं आप अपनी में डील कर रहे हैं है ना तो इस तरीके से भी टीम टीचिंग को कैरी आउट कर सकते हैं फिर भी अगर आप डेफिनेशन जानना चाहें जनरली तो टीम टीचिंग इन्वॉल्व ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्टर्स वर्किंग पर्पज एक पर्पज है कोई एक ऑब्जेक्टिव है जिसमें रेगुलरली जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं और कोऑपरेटिवली टू हेल्प अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ एनी एज लर्न कुछ बच्चे हैं जिनको हेल्प की जा रही है कुछ टीचर्स के द्वारा सिर्फ एक टीचर नहीं है यहां मल्टीपल टीचर अवेलेबल हैं क्लासरूम में ये कह सकते हैं ठीक है बात आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर मतलब की, है वैसे तो. अब इसका एक है. होगा ना एक तरीके से चरणों में होगा अगर मैं कहूं तो, तो तीन चरण बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें पहला है प्लानिंग आप प्लान करते हैं जैसे आप लेसन प्लान बनाते हैं उस तरीके से पहले आप प्लान करेंगे कौन क्या कराएगा ऑब्जेक्टिव क्या होंगे ऑर्गेनाइज करेंगे और इवेल्युएट करेंगे अगर मैं बात करूं तो टीम टीचिंग को हमने अभी समझा इसको को टीचिंग भी कहा जाता है को मतलब साथ में कोऑपरेशन में लोग हैं को टीचिंग ग्रुप टीचिंग पैनल टीचिंग जो आप चाहे कह सकते हैं उत्पत्ति कहां हुई हार्वर्ड में हुई कुछ जो फैक्ट्स हैं वो लास्ट में मैं आपको एक स्लाइड में दे भी दूंगी जिससे कि आप याद रखने में आपको आसानी हो अभी समझ लीजिए पहले ठीक है बात यहां तक की कोई समस्या हो तो बताओ ये सभी के लिए कॉमन है स्टेट लेवल हो या कोई भी एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं यहां से चीजें क्लियर है कोई भी बफरिंग नहीं है बहुत बढ़िया ग्रेट देखिए एक बार अब ये तीनों फेजेस को समझ लेते हैं प्रोसेस को समझ लेते हैं प्लानिंग प्लानिंग की हम बात कर रहे हैं प्लानिंग में आप क्या करेंगे प्लान करेंगे कि भाई जो भी आप चैप्टर लेने जा रहे हैं या जो भी एक डिस्कशन आप करने जा रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा उद्देश्य क्या होगा है ना ड्यूटीज किसको कौन सी असाइन की जाएंगी वेज और मीन्स क्या होंगे तरीके क्या होंगे जिसके थ्रू आप इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे कौन लीड लेक्चर लेगा सुपरविजन कैसे होगा क्या एक पूरी प्रोसेस रहेगी वो प्लानिंग में ही आप तय कर लेते हैं कि क्या उद्देश्य हैं कैसे प्रोसेस कैरी आउट की जाएगी किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी किसका क्या एक्सपर्टीज का फील्ड है ये सारी चीजें आपकी प्लानिंग में आ जाती हैं वो टीचर्स मिलकर प्लान कर रहे होंगे ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अब यहां प्रोसेस कैरी आउट हो रही है जो भी लीड लेक्चर लेने वाला व्यक्ति होगा कोई भी एक व्यक्ति होगा ना जो इंट्रोड्यूस करेगा एक टीचर दूसरा है जो फॉलोअप वर्क करेगा तो उस पूरी प्रोसेस को कंट्रोल करना सुपरवाइज करना देखना कौन किसका क्या काम है ये सारी चीजें आपकी ऑर्गेनाइजिंग में आ जाएंगी ठीक हो गई बात कोई समस्या हो यहां तक तो फटाफट से बताओ बिल्कुल क्रियान्वयन नियोजन और मूल्यांकन कह सकते हैं हिंदी में लिख भी देती हूँ मैं साथ में क्योंकि कई लोग जो हैं वो हिंदी वाले इतने ज्यादा परेशान हो जाएंगे है ना बिल्कुल ठीक क्रियान्वयन नियोजन और मूल्यांकन हिंदी में आप स्वयं समझ लीजिएगा लिख नहीं रही हूं अभी ठीक है बात फिर आता है आपका इवेल्युएटिंग इवेल्युएटिंग है मूल्यांकन मूल्यांकन में क्या है आपके जो वो ऑब्जेक्टिव सेट हुए हुए थे यहां, वो किस हद कि किस हद हद तक तक रियलाइज यानी कि उनको अचीव किया गया और डायग्नोस करते हैं आप बच्चे की प्रॉब्लम्स को जानना चाहते हैं कहाँ क्या समस्या रही और फिर से रीटीच भी कर सकते हैं उसको जहां पर भी कोई समस्या रही हो ठीक है बात इसके अलावा अगर हम बात करें तो रीप्लान या ये जो पूरे फेजेस थे पहले प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन के इनको रिवाइज भी किया जा सकता है इवेल्यूएशन के फेज में क्योंकि आप बच्चे से ओरल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कुछ फीडबैक ले रहे हैं पता कर रहे हैं उसको कहां समस्या आई तो पूरी जो प्रोसेस है ऑर्गेनाइजिंग में जब टीचर एक टीचर है जो इंट्रोड्यूस कर रहा था या अपनी बात को कह रहा था दूसरा था जो फॉलो अप वर्क उनके डाउट्स क्लियर करे या कहीं किसी को कोई समस्या है उस... उसके ऊपर बात करें सुपरवाइज करे तो अलग अलग टीचर्स अलग अलग काम कर रहे हैं यहाँ टीचर्स का कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनका डिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं तो क्लैशेस हो सकते हैं टीचर्स में भी और बच्चों के लिए भी जो थोड़ा के वो बढ़ सकता है ठीक है तो हर एक मेथड बेहतरी के लिए होता है लेकिन ऑब्वियसली बैकफायर कर सकता है यदि प्रॉपर तरीके से वो ऑर्गेनाइज ना हो पाए प्लान ना हो पाए या लास्ट में इवेल्युएट ना हो पाए ठीक है बात यहां तक की बात होपफुली क्लियर होगी कोई समस्या हो तो बताओ फिर आगे बढ़ेंगे बिल्कुल कमेंट्स क्यों नहीं चल रहे बुक में भी आ जाएंगे बिल्कुल पीओई कह सकते हो आप पैशनेट टीचर पीओई कह सकते हो अगर आपको शॉर्ट में इसकी प्रोसेस को याद रखना हो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग और इवेल्युएशन प्लानिंग में क्या है ऑब्जेक्टिव सेट होंगे कौन क्या कराएगा ड्यूटीज वेज एंड मीन सेट होंगे उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग में जो भी एक मेन लेक्चर देने वाला व्यक्ति है वो देगा जिसकी जो ड्यूटी है वो ठीक से करेगा ठीक है बात फिर इसके बाद आपका जो थर्ड है वो है इवेलुएटिंग आपकी कमी कहां रह गई चेंजेस करने की कहां जरूरत है सुपरवाइज आपने कितना किया डायग्नोस किया कि नहीं किया बाकी की जो दोनों प्रोसेस हैं वो ठीक से हो पाई कि नहीं हो पाई ये सारी चीजें आपकी आ जाएंगी किसमें बताइए एक बार सिंपल इवेल्युएटिंग में क्लियर यहां तक मुझे नहीं लगता कोई समस्या होगी कोई समस्या हो फिर भी तो फटाफट से बता दीजिए बहुत बढ़िया चलिए आगे बढ़ते हैं फिर यही एक छोटा सा टॉपिक था एक नंबर का टॉपिक था इससे ज्यादा और बच्चे की जान लोगे टीम टीचिंग के कुछ पॉइंट्स आप याद रखने के लिए पीडीएफ में शेयर कर दूंगी ऐप पर भी मिल जाएगी आपको कहां डेवलप हुई थी 1955 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में डेवलप हुई थी बेसिकली ग्रुप ऑफ टीचर्स टीच इन कोऑपरेशन टीचर्स का एक ग्रुप दो या दो से अधिक टीचर्स कोऑपरेशन में सहयोग के साथ एक दूसरे को मिलकर के क्लास के अंदर सेम एज ग्रुप पर मतलब एज ग्रुप नहीं कहेंगे सेम क्लास सेम टॉपिक सेम एज ये कह सकते हैं टीचर्स प्लान एंड एग्जीक्यूट इट इन कोऑपरेटिव मैनर प्लान भी करेंगे एग्जीक्यूट भी करेंगे जिसकी जो एक्सपर्टीज है उसको वो डील करेगा मान लो कोई व्यक्ति है जो डाउट्स बहुत अच्छे क्लियर कर लेता है कोई और टीचर है वो बेसिकली यहाँ एक दूसरे से टीचर्स भी सीख पाएंगे बच्चे भी बेहतर कर पाएंगे डिस्कशंस हो पाएंगे आप फीडबैक्स ले सकते हैं मतलब कोऑपरेशन के साथ सीखने की बात है कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए टीचर्स नीड टू ज्वाइंटली असेस द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स भाई साथ में मिलकर वो ज्यादा बेहतर एक से भले दो क्यों कह रहे हैं हम क्योंकि एक से ज्यादा शिक्षक अगर हैं दोनों की लर्निंग स्टाइल अलग होगी ज्यादा जो लर्निंग स्टाइल्स हैं बच्चों के उनको आप केटर कर पाएंगे बजाय सिंगल इंडिविजुअल के रोल ऑफ टीचर डिपेंड्स ऑन देयर स्पेशल कॉम्पिटेंसी जो भी रोल आपको दिया जाएगा वो आपकी एक स्पेशल कॉम्पिटेंसी के आधार पर दिया जाए कि भाई आप किस क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं कुछ टॉपिक्स आप बहुत अच्छा करा सकते हैं कोई और दूसरा टीचर है जो उसी को और बेहतर करा सकता है मतलब मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है ये कह सकते हैं हम अलग अलग काम के लिए तो ये थी कहानी किसकी टीम टीचिंग की और कोई समस्या हो तो बताओ पीडीएफ डाउनलोड अभी पीडीएफ डलवाई नहीं है ये वाली जल्दी ही डलवा देंगे और बताइए बिल्कुल ठीक बात है सेम टीम कह सकते हैं सेम टीम सेम टाइम सेम एज या क्लास कह सकते हो सेम है ना वो गाना याद कर लेना तो टीम टीचिंग याद आ जाएगी साथ में को ऑपरेटिवली लोग जो हैं काम कर रहे हैं मिलकर के स्पेशली टीचर्स काम कर रहे हैं ठीक है बात बिल्कुल सीट एट देखो किसी को नहीं पता एकदम से प्रकट हो जाए तो बात अलग है वैसे अभी तो कोई भी आ, वो नहीं है नोटिफिकेशन हाँ भाई जो जो डिस्कशंस वाले सेशन होते हैं उसमें नाम के लिए मत बोला करो फिर डिस्टरबेंस होता है है ना शालू नेटवर्क का इशू था यार क्या कर सकते हैं चलो फिर आज के लिए इतना ही कोई डाउट हो किसी का कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा वीडियो फिर से देख लीजिएगा यदि अभी भी कोई समस्या हो तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा लेट्स लर्न के गूगल प्ले पर अगर आप मतलब नॉर्मल गूगल स्टोर पर प्ले स्टोर पर अगर आप सर्च करते हैं लेट्स लर्न तो ऐप आपको मिल जाएगी तो डाउनलोड कर लीजिएगा ठीक है बात सेशन पसंद आया हो छोटा सा डिस्कशन था पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे भी आपको एजुकेशनल वीडियोस इसी तरीके से मिलते रहेंगे बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हमको डिस्कस करने हैं आगे आने वाले वीडियोस में दिन का टाइम फिक्स नहीं है हो सकता है किसी दिन ना भी हो मेरे रूटीन के अकॉर्डिंग बट रात को नौ बजे तो हम मिल ही रहे हैं नौ बजे या नौ मिलेंगे ही ठीक चलिए फिर टेक केयर बाय बाय